चलिए आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, आज पढ़ना है राठौड़ राजवंश। कौन सा राजवंश? राठौड़ वंश। गोपीनाथ शर्मा तो ये कहता है कि दक्षिण की एक जाति है रहटकूट, इस रहटकूट से ही परिवर्तित नाम क्या है? राठौड़। तो ये तो उनकी संतान मानते हैं। एक इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भाई जयचंद जो गैडवाल थे कन्नौज के शासक, वो जयचंद गैडवाल का क्या था? वैसे इस शाखा को समाप्त कर दिया था किसने? इस शाखा को समाप्त कर दिया था गौरी ने। तो इसका बेटा था सूजा, पता थे कि वो भाग करके खा गया था, इधर पाली वाली आ गया था, फिर यहाँ आकर के इस वंश की नींव रखी थी। लेकिन ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर सूजा पहला इंसान होता तो अपने आगे नाम छोड़ क्यों लगा था? गैडवाल लगाना चाहिए था। तो इसका पहली बार खंडन किया था हारमोनी ने, और फिर इसके बाद इसका पूरी तरह खंडन कर दिया था किसने? इतिहासकार भंडारकर ने इसका पूरी तरह क्या किया था बाद में? खंडन कर दिया था। लेकिन हम लोगों को तो कहानी उसमें मतलब नहीं है, हम तो सीधा ये पढ़ेंगे कि इनका पहला भाग कर क्या गया बेचारा द्रुव, इनके पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या था कि इस मंडोर के अंदर किनका शासक था? गुजरों का शासक था मंडोर। ये मंडोर यहाँ क्या था? रावण का क्या था? सासरों बताते हैं। मंदोदरी का क्या था? यहाँ पर घराना था। मंदोदरी का मतलब क्या होता है? मंद प्लस होते ही मंद, जिसका मतलब उधर है पेट कम हो, जिसका पेट कम हो उसे क्या कहेंगे? मंदोदरी, यानी आज के टाइम में जीरो फिगर है बिल्कुल, तो उसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या? मंदोदरी। मंदोदरी जिसका उधर छोटा है वो क्या है? वही मंदोदरी है। कुछ कहते हैं कि इस मंदोदरी का एक परिवर्तित रूप क्या है? मंडोर है। चलो जो भी हो, ऐसा ही बताते भाई कि पूरे से दुनिया है उसके अंदर जब रावण दहन का समय आता है तो सब जलाते हैं, लेकिन यहाँ रावण दहन नहीं होता है। कौन करी भाई को भी यहाँ पर फूंक पड़ा है, फूफा फूंक पड़ा है कौन अपना फूफे लागे वो? तो यहाँ गुजर प्रत्याहारों का शासक, गुजर प्रत्याहार थे उनका यहाँ क्या था? शासन था। तो यहाँ पे क्या किया? तुर्कों ने आक्रमण कर दिया, तुर्कों ने इसे गुजर प्रत्याहारों से छीन लिया। गुजर प्रत्याहारों से छीन लिया तो बेचारा भाग भाग स्राव सियायो सियास के बाद एक तेरे को रुकने के लिए ठिकाना चाहिए, रात को सुरक्षा चाहिए। फिर इसने कहा भाई एक प्लान ये बनाते हैं कि घास की गठरी के अंदर सैनिक है निकंतर भेजो, फिर व्यवस्था करके तो गठरियों के अंदर सैनिक गए, फिर अंदर जाकर के आक्रमण कर लिया और इनको इसको जीत लिया। किसको? मंडोर को। मंडोर जीत कर गुजर प्रत्याहार हो गए, गुजर के लड़की थी उसका इस राव सिया के साथ क्या कर दिया? विवाह करा दिया, मंडोर दहेज में दे दिया। अब छोटी जगह क्या आ गई? मंडोर आ गई। तो राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राव सिया। बस इतना ध्यान रखना, दुर्ग को ये है नहीं। इसका एक बेटा आता है कौन, जिसका नाम आता है आसाराम, नहीं आसनाथ। बताते हैं ये आसनाथ की कोई बात नहीं, इतनी बात है कि जलालुद्दीन से लड़ते हुए मारा गया, लेकिन हकीकत यह है कि जलालुद्दीन कभी मारवाड़ इधर पाए नहीं, वो तो कभी इधर आए नहीं। तो चलो मानते हैं इतिहासकार, हम भी मान लेते हैं जलालुद्दीन ने मारा। अब एक आता है दुहड़। कौन? अगला शासक आता है दुहड़। इस दुहड़ ने क्या किया? ये दुहड़ यहां से कर्नाटक पड़ता है, कर्नाटका से मूर्ति लेकर के भागा ऐसे, और प्रवेश किया। प्रवेश करते शुरू में कौन सी माता की मूर्ति थी? चक्रेश्वरी। चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर के भागा। घुसते ही पहला ही गांव आया नागड़ा, और नागड़ा गांव में इस माता की मूर्ति को लगवा दिया। ठीक, नागड़ा गांव में लगवाने के कारण माता का नाम क्या पड़ गया? नागणेची माता। और ये नागणेची माता ही क्या है? राठौड़ वंश की कुल देवी है। ठीक है, इसने बस इतना ही काम किया था, माता जी की मूर्ति लगा दी। अब ध्यान रखना ये क्या है, इनकी कुल देवी दुर्ग कभी इनके पास कोई नहीं है। अब देखते हैं कि आगे अगला शासक कौन आया। इसके बाद अगला शासक आया चूड़ा, राम चूड़ा। ये चूड़ा इसकी बेटी का विवाह कहा हुआ था?
वो ये जिसका व्यवहार हम जिक्र कर चुके हैं और इस चूड़ाई बेटी व्याकरण को कहा था, और ये राणा चूड़ा है और वो राणा चूड़ा थे जिन्होंने कहा था कि मैं अपनी गद्दी में कोई स्पेस गद्दी पर नहीं बैठेगा। इनकी बेटी से विवाह हुआ था उनका, फिर इनकी संतान हुई थी कुंभा। ठीक, तो चूड़ा है, चूड़ा के दो बेटे थे, रणमल और दूसरा था कान्हा। एक तो था रणमल, दूसरा था कान्हा। बड़ा बेटा था रणमल, लेकिन ये प्रिय छोटे बेटे से करते थे तो कान्हा को राजा बना दियो। रणमल तो क्या क्या बारमली के सहयोग से यहाँ आ गया था और यहाँ रहने लग गया था, किसमें यहाँ, और चूड़ा को गैस निकाल दिया था कि भाई अगर तू ले लेके अपने लेना, तो रणमल तो बाद में यहाँ आ गया था। कान्हा बताते हैं कि कोई उग्र स्वभाव हो, बहुत खतरनाक आदमी हो, कि एक बार कोई शिकार विकार खेलने के जंगल की तरफ जा रहा था, तो जंगल में घूमते घूमते इसे माता मिली। कौन सी माता? करणी माता। तो करणी माता की वहाँ गाय चल रही थी, भाई साहब उसका घोड़ा ले गया कि घोड़े चले। करणी माता ने कहा ठीक है भाई, तेरी मर्जी, जो चराना चाह चरा ले। तो इसने कहा मेरे घोड़े चले, उसने कहा गाय चलेंगे, मैं तो कहूँगा ठेले चार चला लेंगे। जा रही थी करणी माता गाय लेकर के, भाई साहब पीछा उसके दी गई, रुको रुको रुको, बताऊंगे तो भविष्य बताती बताइए। पूछ क्या पूछना है कि कैसे यह पूछ बताओ चूकी, यह बताओ मरूंगा। माता ने सजे के माता ने कहा बेटे की बात पूछ ले, पूछ लिया भगवान का पूछे, भगवान के बात पूछेंगे। नहीं 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 बता, साल भर के अंदर ना बुला जाओ, साल भर कर जाओ। नहीं नहीं मैं तो राजा हूँ, मेरी जूत होता रही, साल बहुत ज़्यादा टाइम है, कभी साल बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं मर गया तो फेमस हो जाएगी। और कि भाई माता ने क्या कहती, करनी माता ने भविष्यवाणी करी थी कि मर जाएगा साल भर में, युद्ध और कम कर कहते थे लक्षण देख ला रहा छह महीना में सट जाओ। और कैसे और तो और नहीं सीखा, कैसे और तो कहीं महीना भर, महीना भी ज़्यादा है, और कि पंद्रह दिन ज़्यादा है। तो माता के दी तेरे नखरम सुना रहे आज जाओ। तो उसके और तो फिर ये है कि ले जाना खीर है और या उपहार कर दे, पता चलते भाई कब मरा हो बताते हैं। जैसे ही कान्हा ने लाइन पार करी, करणी माता के शेर ने चीर पार कर दी इसकी इसकी कान्हा की। राजा कौन बनेगा? रणवर बनेगा, मर गया तो। रणवर का जिक्र हम यहाँ निकलेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम मेवाड़ के इतिहास में उनका जिक्र कर चुके हैं। उसके बाद आता है जोधा। ये जो जोधा है, इस जोधा ने क्या किया, ये जोधा है, ये इनका क्या है, वास्तविक संस्थापक है। कैसे वास्तविक संस्थापक है? क्योंकि अब इनके पास एक मंडोर मंडोर है, अब अकेला मंडोर उस पार थोड़ी बड़े, तो ये शासक बढ़ने के बाद इधर की तरफ आ गए यहाँ, और यहाँ पर एक पहाड़ी है चिड़िया टू। इस पहाड़ी के ऊपर एक बाबा जी रहते थे जिसका नाम था चिड़ियानाथ। तो चिड़ियानाथ जी रहते थे। जब भी कोई राजा कोई काम करेगा, सबसे पहला काम वो ये करेगा कि ध्रुव बनाएगा, पहली बात है रहने के लिए मकान तो बनाना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया बाबा जी, इसकी बाबा जी क्योंकि ध्रुव जब बनाते हैं तो हमेशा पहाड़ी बनाना पड़ता था कि दुश्मन आक्रमण नहीं कर सके, तो यहाँ बना लिया। अब यहाँ बनाने की तैयारी शुरू होती बाबा जी, उसकी बाबा जी बाबा जी को नटू, अरे हट जा रही कि तू तो धूनी तो पानी कम उठा सपा, और मैं आपको जमीन दे दूंगा वहां कर लेना। लेकिन बाबू जी माने पर बात मत, बाबू जी भाई भयंकर गुस्सा, अरे बना बता कि मैं श्राप दे दूं छू कि जय नीव तरह बने, यहाँ जैसे ही पहाड़ी के ऊपर उस ध्रुव की नींव रखी जाएगी ना पानी सूख जाओ कि वह पानी को रहे धर, और आग जाओ जोड़ा पर ले गए जलती को बताते हैं। अब भाई साहब परेशान जो तैयार करे तो करे क्या, तो कोई ज्ञानी आदमी ने सलाह दिया तो नींव क्यों रखे, ऐसे करना कि नींव तो रखे मत, कि नींव जो है वो करणी माता का आश्रय बल है। करणी माता वस्त्र का नाम रखती भाई जन का, कि करणी माता का आश्रय बल है। तो बाद में करणी माता को बुलाई, ठीक है करणी माता आ गई, करणी माता ने इसकी नींव भी करणी माता ने रखी, बीकानेर वाले की करणी माता ने, करनी माता इसकी नींव रखी जाएगी। किसी ने कहा भाई कि नींव तो रख दी, लेकिन अगर बताते हैं कि अगर नींव के अंदर कोई जिंदा आदमी की बलि दे दी जाए तो वहाँ उस वंश का शासन हमेशा रहता है। बलि देना मतलब है कोई मुंडी पकड़ जोड़ जोड़ी से दी हो, इसका मतलब यह है कि आदमी स्वतंत्रता स्त्री आदमी मैं तैयार हूँ। तो ऐसे एक आदमी तैयार हो मैं तैयार हूँ, मुझे मुझे
उसको छोड़ दिया। बाद में बताते हैं कि जब ये बड़बड़ा के सब तैयार हो गया तो केवल उनका ही परिवार था जिसको इस घर में आने की अनुमति थी, बाकी कोई और नहीं आ सकता था। और उन्हें फिर मुआवजा वुआवजा दिया गया, बल्कि उन्हें नौकरियाँ दी गई। तो ये हो गया आपके कौन जोधा। और ये क्या है, ये वास्तविक संस्थापक बनने के बाद अपनी इसने यहाँ पर एक तो बनवाई थी किसकी, अपनी कुलदेवी की तो बनवाई गई, तो एक तो नागनी जी माता का मंदिर बनवाया था ठीक, और एक बनवाया था चामुंडा माता का मंदिर। इस चामुंडा माता के मंदिर में 2008 में भगदड़ होने से काफी लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बैठाया था इसकी जांच करने के लिए। तो ये दो काम इसने करवा दिए, किसने, जोधा ने। और वास्तविक से पूछे अगर आपसे एग्जाम में कि राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, तो राव सिया। और राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो फिर क्या आएगा, जोधा। और अपने नीचे इसने क्या करके सामन तामन करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे भाई साहब जोधा जी सर किया और अगले शासक कौन आ गए, सातल देव। सातल देव की क्या बात है, सातल देव राजा थे, तो यहाँ पड़ता है बॉर्डर के इधर ही, यहाँ पड़ता है अजमेर। अजमेर का शासक था मल्लू खां ठीक, और मल्लू खां का एक सेनापति था उडला, उडला उडला कुछ भी हो सकता है, उडला लेके जो उडला बनता है। मल्लू खां का एक सेनापति था इसका नाम उडला। इस उडला ने क्या किया, जोधपुर के अंदर कोई 140 लड़की थी जिनका अपहरण कर लिया, किडनैप कर ली, किडनैप करके ले गया। ये किडनैप करके ले गया तो सातों दिन पता चले ले गया ठीक, पिपार में उठा करके पहुंच गई। अब जैसे ही पता चला तो सूचना लगी थी इंडिया भाई, तो पब्लिक निकली यार लड़कियों को लेकर था कारण गाँव में वो ठीक है। तो बाद में फिर क्या किया, सातों दिन गया यहाँ से, पहला तो गुडला को सड़ता तो गया सातों दिन, पहला तो गुडला को सड़ता है और गुडला के बाद मल्लू खां को सड़ताया और इसकी बेटी और थी और बापू नारे उठने आ, इसकी बेटी थी उसको भी साथ में लेकर के आ गई, इंदरा इंद्री कुछ ऐसे नाम था, उसको भी कर लिया साथ में लिया, जंदोरी इंदोरी कुछ ऐसे नाम था उसको साथ में लिया है। उसने कहा कि मैं अपने पापा की याद में एक गीत चालू करो बचाऊँ, तो उडला जो नृत्य वो उसने फेमस किया था, कहाँ है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध क्या है नृत्य, ध्यान रखो तरफ नहीं रखो तो कोई बात ठीक। इसकी इतनी बात है, बाद में बताते हैं कि फिर सातल देव को युद्ध के दौरान काफी बिचारा हुआ और लग गए, गणगौर का दिन था वापिस घर आए तो इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इसलिए मारवाड़ के अंदर गणगौर नहीं मनाई जाती है। फेमस गणगौर कहाँ की है, अपना जयपुर की है, कभी मौका मिले तो जा और देख जरूर आ जाओ। अगला शासक आता है सूजा। सूजा के दो बेटा थे, एक तो था बीका ठीक और एक था गागा। ये बीका बहुत ही बताते सीधा आदमी था और धार्मिक आदमी, जो बड़ा बेटा ये था लेकिन जिनकी वजह से अपने छोटे बेटे को इसने क्या बना दिया, राजा बना दिया। अब छोटा जो बेटा है वो खतरनाक बेचारा, तो इसने कहा कि देखो तुम मेरा बड़ो बेटा है, श्याम बेटा मेरी बात मान, ऐसे करते यार अपनी अलग रियासत बसा लेते, छोड़ इनको कि ठीक है पिताजी मैं अपनी अलग रियासत बसा लूंगा, लेकिन आपकी जो छत्र है ढाड़ है आपकी जो तलवार है नागनी जी माता की जो मूर्ति वो सब मैं ले जाऊंगा। और विजयदशमी दिन उनकी पूजा होती है और बीका ने यहाँ से जाकर के एक नया शहर बसा लिया जिसका नाम क्या है बीका के ठीक। राव बीका ने बसाया था वहां चला गया। बाद में बताते हैं कि जो सूजा है ना, ये सूजा ने दिमाग खराब कर दिया, कैसे कि मटा ने पिताजी तो मर गए सातल देव और मना कर दिया कि न तो मैं छत्र दूँ न डाल दूँ ना मैं बंदू, तो बताते बीका ने क्या किया, मंडो चारों तरफ से मेवा हुआ घेर लिया, मेवा हुआ मारवाड़ चारों तरफ से घेरे। बाद में इसकी मानस दायरा दे मस्तर, तो बाद में मध्यस्थता से समझौता हो गया, इसको मूर्ति वूर्ति सब दे दी वहाँ ले गया। विजयदशमी के दिन उनकी क्या होती है पूजा होती है। अगला आता है गंगा। इस गंगा की तो कोई बात नहीं, गंग नैताला वाला बनवाया था बच्चा तो सीधो आदमी हो गंगा, लेकिन गंगा का बेटा था मालदेव। ये मालदेव बहुत खतरनाक था, कैसे खतरनाक था, मेड़ता का एक शासक था
कौन वीरम देव, इसने नागौर पर आक्रमण किया क्योंकि नागौर में एक हाथी था, उस हाथी का नाम था दरिया जोश। क्या था? दरिया जोश। इस दरिया जोश हाथी को पाना चाहता था मालदेव। मालदेव ने जैसे आक्रमण किया तो हाथी यहां से चलते 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 किसके पास पहुंच गया? वीरम देव के पास पहुंच गया, वीरता के पास। इसने कहा कि हाथी लौटा दे, तो बांगा ने पत्र लिख के वही वीरम देव है जो खानो युद्ध में लड़ने गया था, किसकी तरफ से? सांगा की तरफ से। ठीक, तो इसने कहा था कि तेरी पाल भी कौन पड़े, तो छोटी सी कितने सी मुट्ठी भर गया सच्चे को हरा जाए तो टक्कर पड़े जिससे कि महादेव की, और मैं मरता ही शासक यही पड़े तो छोटे कौन देख ले। तो इसने कहा ठीक है मैं हाथी तो लौटा दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि महादेव जी मेरे साथ खाना खाए। ठीक है, खाना खाऊंगा। ये आ गया खाना बनाने की सेज में छठी, तो बेचारा टेबल लगी हुई थी खाने बैठे हुए थे, मटा फेर लड़ गया दोनों। महादेव कह पहले हाथी वीरेंद्र पहले खानो, यह कह पहले हाथी, यह कह पहले खानो, हाथी खानो, हाथी खानो, या करता करता कह बेटा खानो तेरो मैं खा लूंगा, जाओ तो उसको भविष्य में तो देख लूंगा। और इसी वजह से जब ये राजा बनेगा सबसे पहले वीरता पे आक्रमण करेगा। तो वीरेंद्र और तो से लड़ करके यहां से वापस लौट गया कौन? महादेव जी वापस आ गए। अब वीरम देव जी ने सोचा मामलों पकड़ को दिखे, तो वीरम देव जी ने क्या किया, जो दरिया जो हाथी था इस हाथी को इन्होंने रवाना कर दिया कि यार देखकर ढंगली में मारा जवान को पड़वा दो, तो इन्होंने मेड़ता से उस हाथी को रवाना कर दिया। हाथी चलना शुरू हो गया, चलते चलते बताते कि जैसे ही मारवाड़ की सीमा में घुसा घुसते हाथी मर गया। अब गांव वाले तो कहते पिताजी कहने की भाई मैंने मान ली हूँ कि आवे हो, या नहीं कोमाने कहीं आवे हो आप कोमाना। तो फिर क्या है, एक दिन बताते हैं कि गंगा जो है वो बैठा हुआ था, फिर अफीम अफीम का इसने क्या कर रखा था, नशा कर रखा था, और अफीम को नशा कर बैठता। और जो इतिहासकार है वो तो एक रहा था, वो तो कहता है कि भाई माल से गया था इनके क्या करने डोक देवा, नहीं लेकिन वो सा कहता है डोक देवा कौन गए हो धक्को दे कुछ पटक दियो, तो हम ये मान लेते हैं धक्को दे पटक दे। पूछा भी जा चुका है कि मारवाड़ का पितृ अंता कौन है, तो ध्यान रखना महादेव है। ठीक, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, महादेव पढ़ेंगे क्योंकि महादेव महत्वपूर्ण शासक है। मारवाड़ के अंदर तीन ही शासक महत्वपूर्ण है, जोधा महादेव और चंद्रसेन। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।